2024 के महामुकाबले के लिए बसपा ने राष्ट्रीय योजना पर कदम बढ़ा दिए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती पहले ही 2024 के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर चुकी है और अब यूपी की 80 सीटों के साथ दूसरे राज्यों में पार्टी की मजबूती पर नजरें जमा दी है। पिछले 5 दिनों में बसपा अध्यक्ष मायावती 6 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। इनमें सबसे नया नाम महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के पदाधिकारियों के साथ मायावती ने 2 टूक शब्दों में कहा, महाराष्ट्र बाबा साहेब और कांशीराम की कर्मभूमि, लेकिन महाराष्ट्र में बसपा मजबूत स्थिति में नहीं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी से काम करने की जरूरत है। आगे आने वाले संसदीय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने करीब करीब हर राज्य में जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नया प्राण फूंकने के लिए हर राज्य में जा रही हैं। महाराष्ट्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक से पहले मायावती दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं और हर एक बैठक में मायावती ने एक ही बात पर जोर दिया है कि दलित समाज को बसपा से जोड़ने की जरूरत है। कमोबेश यही संदेश 18 मई को निकाय चुनाव की समीक्षा बैठक से निकला था। मतलब साफ है, बसपा नेतृत्व को भी लगने लगा है कि दलित समाज को नए सिरे से पार्टी के साथ लाने की जरूरत है। सियासत के दलित मार्ग पर बसपा की नई कवायद के पीछे बड़ा कारण ये भी है कि यूपी में 2012 के बाद से बसपा का जनाधार लगातार कम हुआ है। 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा को 25.9% वोट मिले थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत घटकर 19.8% रह गया। 2014 में बसपा एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 22.4% वोट मिले, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 19.4% और 2022 के चुनाव में बसपा के वोट गिरकर 13% तक पहुँच गए। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। जब समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां जातीय आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग कर रही हैं, जब समाजवादी पार्टी दलितों के और पिछड़े वर्ग के आरक्षण खत्म करने का आंदोलन कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देती है। मायावती जी ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की है और उन्होंने जो भी निर्देश दिए हैं वो अपनी पार्टी को, या हर पार्टी का अपना अंदरूनी विषय होता है, वो किस तरह से किन मुद्दों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने को कहता है, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना। यहाँ तक के यूपी निकाय चुनाव के नतीजे भी बसपा के लिए निराशाजनक रहे हैं, जबकि यूपी की आबादी में दलित समाज की हिस्सेदारी करीब 22% है। ऐसे में अब बसपा को भी समझ में आने लगा है कि दलित वोट बैंक के मोर्चे पर नए सिरे से काम करने की जरूरत है।